तो उदयपुर में बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस के सभी विधायक, निर्दलीय विधायक और समर्थित पार्टियों के विधायक पहुंच चुके हैं जयपुर में। तो वहीं देवी रतन रिजॉर्ट में बीजेपी की बाड़ेबंदी, अभ्यास वर्ग में विधायकों ने वोटिंग की, मॉक ड्रिल की और सभी भाजपा विधायकों ने सही तरीके से वोट डाले। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ प्रथम बने। द्वितीय एजेंट विधायकों के लिए वोटों की प्राथमिकता भी तय हो गई। राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि क्या होगा क्या नहीं ये तो अलग विषय है। कांग्रेस को कोई भी राजस्थान का प्रत्याशी नहीं मिला, अभी तो चुनाव परिणाम बताएगा कि क्या रहता है रिजल्ट। तो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, चुनावी दंगल जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, फिलहाल अभी का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अभी हमने कांग्रेस के भी उन तमाम विधायकों की तस्वीरें दिखाई थी, हर कोई विक्ट्री का निशान दिखा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है कि रिजल्ट क्या होगा वो तो कल ही साफ होगा, आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि विधायक जो है वो कितनी संख्या में पहुंचने थे ये सबकी निगाह थी। तो पूरे की पूरे विधायक जो है भाजपा कैंप में पहुंच चुके हैं, 71 विधायक पहुंच चुके हैं। आज आखिरी विधायक जो है वो सिद्धि कुमारी आई, उसके बाद आज फिर से ट्रेनिंग जो है उसका आखिरी दिन था, मॉक ड्रिल हुई, सभी ने वोट डाले। लेकिन यहाँ पर एक नई जानकारी सामने आई कि सूर्यकांता व्यास और पूरा राम चौधरी दोनों के चूंकि वृद्ध अवस्था है तो ऐसे में कंपन होने के चलते उनको थोड़ी तकलीफ हुई वोटिंग करने में, नजर भी कमजोर की शिकायत है। तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आग्रह करें निर्वाचन विभाग से कि उनके साथ एक अटेंडेंट कोई जाए, तो ऐसे में ये फैसला हो सकता है। चूंकि कानूनी रूप से भी एक ऐसा प्रावधान है। और दूसरी बात जो है आश्वस्त की बात अगर जहां तक हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैंप के सभी प्रमुख नेता आश्वस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ खास बात यह है कि मीडिया से आज कोई बड़े नेता मुखातिब नहीं हुए जो राजस्थान की टीम के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा मुखातिब नहीं हुए। लेकिन कल तक जो बातचीत की थी उसमें सभी लोग आश्वस्त थे, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस को घेरने की रणनीति जो है इस कैंप में बनाई गई है। कल के बाद आंदोलनों के जरिए राज्य की कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा घेरा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पूरा जो कैंप रहा, बाड़ेबंदी जो रही, उसमें एक डिसिप्लिन जैसा जरूर नजर आया। एक लगातार सत्र होते रहे, प्रमुख नेता जो है वो अपने सत्र में बोलते रहे और इस दौरान चंद्रशेखर जो है वो लगातार मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, खुद वसुंधरा राजे जो है वो तो मौजूद थी ही, उसके अलावा अरुण सिंह है वो कल से यहीं पर हैं। तो ये ओवरऑल अपडेट यही है। अब कल का दिन है ये खास है, 71 इनके हैं, बाकी के दूसरे कैंप के कितने विधायक जो हैं वो इन्हें वोट करते हैं दूसरे कैंडिडेट के लिए, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि जिस तरीके की बातें की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, जो उम्मीद जताई जा रही थी, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो आज का दिन है वो खत्म हो चुका है, अब आज की रात है, वो आज की रात भारी है, भारी किस पर पड़नी है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद, उम्मीद लगाकर दोनों कैंप बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।